आवा लोगों झांकी देखा अपना ये गढ़वाल की, तिलक लगावा ई माटी को भारत का ये भाल की। नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी। गौमुख की शोभाया देखा यख गंगोत्री धाम च, देव नदी भी यख से निकली गंगा जय को नाम च। जमुना जी को मैत यखी च, यख जमनोत्री धाम च। जमुना जी को मैत यखी च, यख जमनोत्री धाम च। जनमन ते हर लेंदो यख सो गौधूली को घाम च। वर्णन नी वे सकदू कैसे शोभा महासर ताल की। हो तिलक लगावा ई माटी को भारत का ये भाल की। नमो नमो गढ़ जननी, नमो आलू के नमो चलू गढ़ के कहाँ जननी, गए थे, नमो बंदर की नमो गढ़ झोपड़ी रो जननी, रहे थे, नमो बंदर नमो ने गढ़ लत जननी। मारी रो रहे थे, मम्मी ने प्यार गए आंस रहे थे, पापा ने पैसा दिया नच रहे थे, भैया ने लड्डू दिया खा रहे थे। नमस्कार साथियों, चौमासी गांव से आप सभी का स्वागत है। जो नए हमारे रूरल टेल्स परिवार में सदस्य जुड़ रहे हैं उनका भी स्वागत लगातार, और जो पुराने मेंबर हैं रूरल टेल्स के उनका धन्यवाद जो लगातार वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। कालीमठ घाटी की बात ही कुछ और है, और चौमासी इस घाटी का अंतिम गाँव है। यहीं से केदारनाथ की जो पैदल यात्रा है वो शुरू होती है, जो पिछले कई सालों से यहाँ के युवा लगातार कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल भी हम इस गांव में आए थे लेकिन गांव को एक्सप्लोर नहीं किया था, तो इस बार चौमासी गांव को एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद यहां से केदारनाथ की यात्रा आगे बढ़ेंगे। तो ये है मुलायम का बेटा, उसके माँ और पिताजी यानी मुलायम और उसकी पत्नी दोनों गए घास लेने। दादी है तो उसको ऐसे बांधा हुआ है, बचपन में बहुत सारे बच्चे ऐसे ही बांधे रहते थे, इसका पैर बांधा हुआ है। ये देखिए बांध रखा है तेरे को, है बांध रखा है, तू शैतानी करता है ना इसलिए। दिख रहा कहाँ दिख रहा?
बड़ी क्या नाच आपक बाप का थी देवी अच्छा ककबड़ी धान तो घास घास बहुत दूर बैठे हां हां बहुत दूर बैठे ले अच्छा सब जिंदगी गांव वाला हां सभी गांव वाला पूर गांव वाला कत कत दिन तक जान रोज अब रोज अब बहुत दिन तक जान परसा आ जान क्या अच्छा हां यकम तो आप लोगों को बिसोण सा आ या बिसोण सा छी बात लगे हां छी बात लगवा ओन जांदा हम बैठना छी बात लगवाना दाथड़ पलवाना तब जंगल में जा जी आप तो दूसरी बार यहाँ आ रहे हैं, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आप लगातार ऐसे दूर के क्षेत्रों में ज़्यादा जाते हैं, लेकिन चौमासी गांव एक बहुत ही अद्भुत गांव है जो छोटा है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। वो दो भागों में हमारे गांव, बहुत बड़ा क्षेत्रफल हमारे गाँव का है, लगभग 3 हेक्टेयर क्षेत्रफल गाँव का है। लोगों की जनसंख्या भी कम है, 300 के लगभग जनसंख्या है। और यहाँ वर्तमान समय में जब पिछली बार आप आए थे जो अभियान चला था चलो केदार, उसके बाद लगभग 400 से ज़्यादा ट्रैकर यहाँ से केदारनाथ जा चुके हैं, और जिसमें आउट ऑफ स्टेट से लगभग 150 से ज़्यादा आउट ऑफ स्टेट से हैं। तो हमारे यहाँ के लोग भी अच्छी इनकम कमाते हैं, लोगों को बहुत अच्छा, जो एक बार चौमासे आता है फिर वो बार बार आ ही रहा है, दो तीन बार, बहुत सारे ग्रुप हमारे दो बार चले गए यहाँ से केदारनाथ। चौमासी कैसे पहुँचे, दूरी कितनी है? जी हरिद्वार से पहले तो श्रीनगर से सीधे गाड़ी से गुप्तकाशी, फिर गुप्तकाशी से चौमासी के लिए आपको लोकल वाहन मिल जाते हैं, तो सारे लोग लोकल वाहन में बैठ कर चौमासे आते हैं। तो गुप्तकाशी से चौमासी की दूरी 25 किलोमीटर है, और रास्ता एकदम सही है, सड़क एकदम पक्की सड़क है, और वहाँ से फिर यहाँ से पैदल है 22 किलोमीटर, केदारनाथ पैदल है तो 22 किलोमीटर रास्ता भी। तीन रास्ते हैं जो एक तो बना हुआ है जो फॉरेस्ट विभाग ने बनाया था, और बाकी 8-8 किलोमीटर हमको अलग रास्ते से जाना पड़ता है, तो वो भी रास्ता बहुत सही है। आप तो खैर पिछली बार गए थे, आपको तो अच्छा अनुभव है। हेलो, चौमासी गांव जो है वो सेब की खेती के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है इसकी, और इस गांव के युवाओं ने सेब के जो खेती है वो शुरू कर दी है। यहां पर करीब 500-600 पेड़ों की एक पूरी जो है बगीचा तैयार किया जा रहा है, और चौमासी गांव की हाइट भी अच्छी है, करीब 3 से 4 फीट बर्फ़ यहां पर पड़ती है। तो पहले तो लोग यहां पर जो पारंपरिक खेती थी वही करते थे, लेकिन अब सेब की तरफ भी लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। और अगर इन गांव वालों को टेक्निकल सपोर्ट मिल जाए, अच्छे पेड़ मिल जाए सेब के, तो ये पूरी जो वैली है यानी जो कालीमठ घाटी है यहाँ भी सेब की बहुत अच्छी पैदावार की जा सकती है। चौमासी गांव में सड़क भी आ गई है, बिजली भी है और संचार की सुविधाएं भी हैं।
जियो का फ़ोन, आइडिया और एयरटेल, ये तीनों सिम काम करते हैं। चौमासी गांव में सपनेश्वरी माँ तारा का ये मंदिर है, जो ठीक गांव से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और तो इस मंदिर से पूरी जो वैली है, गांव का नज़ारा बहुत सुंदर दिखाई देता है। और ठीक इसके आगे पूरा जंगल जो केदारनाथ की तरफ का रास्ता है। वैसे तो आप देखें तो चार धाम यात्रा आप 10 दिन में कर सकते हैं, पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ। लेकिन गाड़ी में सफ़र करते हुए आदमी इतना थक जाता है कि ना तो वो उत्तराखंड की जो गढ़वाल की लोक संस्कृति है उसको समझ पाता है, और ना ही पौराणिक यात्रा की महत्ता को। क्योंकि आज से सालों पहले 20-30-40-50 साल पहले यात्रा पैदल ही होती थी, अभी केवल केदारनाथ की यात्रा पैदल हो रही है, वो भी लास्ट में, और यमुनोत्री की यात्रा थोड़ी सी लास्ट में पैदल होती है, वरना गंगोत्री और बद्रीनाथ धाम तक गाड़ी पहुंच गया। अब आप सोचिए कि आज से करीब 50 साल पहले, 100 साल पहले या 200 साल पहले जब यात्री देहरादून से, ऋषिकेश से, हरिद्वार से पैदल चलते रहे होंगे, तो वो उत्तराखंड को कितना जानते रहे होंगे, गाँव के संस्कृति को, रहन सहन को, यहाँ की भौगोलिक जो परेशानियाँ हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको कितनी बारीकी से जानते हुए, पड़ाव दर पड़ाव चट्टियों से होते हुए वो चारधाम की यात्रा करते होंगे। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा पैदल किया जाए। हालांकि लोगों के पास अब समय नहीं है, वो गाड़ियों के बजाय अब तो केदारनाथ यात्रा चंद मिनटों में, 7-10 मिनट में वो केदारनाथ धाम पहुँच रहे हैं फाटा से, गुप्तकाशी से, यानी और भी जल्दी वो केदारनाथ धाम पहुँचना चाहते हैं। केदारनाथ धाम पहुँचने से पहले जो मुश्किलें आती हैं उसको वो फेस नहीं करना चाहते, जबकि ये जो असली यात्रा का महत्व है ना, वो पैदल ही होता है। अभी तो गांव वाले जो घास है वो करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर से ला रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो इस घास को भी, ये जो पहाड़ से घास दिख रहा है, यहाँ से काटेंगे। यहाँ भी घास काफ़ी बड़ी बड़ी है। तो ये भांग का पौधा है और इसमें बीज बनना शुरू हो गया है, तो उसके बीज की आपने चटनी कई बार खाई होगी, चटनी या उसके बीज से कई सब्जियों में
तड़का भी लगता है, बहुत टेस्टी होता है इसका बीज। यहाँ पहले आए थे, बहुत समय पहले आए थे ना, एक आल में आया, उसने यहाँ चौलाई बोता, उसके बाद चौलाई हुआ तो वो यही रह गया। क्या चौलाई से ही इसका नाम चौमासी लगता है क्या? हाँ हाँ, चौमासी लगता है। और चौलाई धीरे धीरे ये? हाँ बस, मनुआ भी होता है बहुत ज़्यादा, छेमी और आलू वो बहुत होता है, केवल एक धान नहीं होता है। धान बोते नहीं है या? नहीं बोते हैं, लेकिन बहुत कम होता है। पानी है यहाँ? हाँ है ना, बल्ले की बोते हैं, बल्ले की कम होता है, इसलिए नहीं वो करते हैं। अभी खेतों में हल लगाया जा रहा है? हाँ हल लगाया जा रहा है, अब गेहूँ बोए जाएंगे। अच्छा। हाँ बस। और बर्फ पड़ेगी तो नुकसान? नहीं नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा पड़ेगा तो बाद में जैसे पौधा आता है ना, बड़ा होता है टूट जाता है, लेकिन अगर देर में पड़ा तो टूट जाता है, नहीं पड़ा तो वो ठीक रह जाता है बस, और विशेष कुछ नहीं होता। खेती काफी है? हाँ खेती काफी है। कटेगा थोड़ी कुछ दिन बाद? नहीं नहीं बस अब शुरू हो गया ये काटना। अच्छा, पीछे से आ रहे हैं काटते काटते काटते। तो इसमें है किसी का कि इसका हिस्सा है उसका हिस्सा है? नहीं सारा गांव का है। अच्छा, जो जितना काट सके? नहीं एक आदमी जाएगा एक। रविन जी बताइए, दोखा क्या होता है और कैसे बनाया जाता है? दोखा सर तो है, ऊन एक बार इकट्ठी करनी पड़ती है, उसको छंटाई करनी पड़ती है, हैं अच्छे ढंग से, उसके बाद जो है तकली द्वारा उसको काटना पड़ता है, उसके बाद उसका जो है वो बनाना गोला बनाना पड़ते है, उसके बाद जो है उसका बुनाई करनी पड़ती है, उसके बाद बुनाई के बाद जो है उसको जो है सिलाई करनी पड़ती है, मनाई पड़ती है, काफ़ी है वैसे मेहनत बहुत है सर उसमें। फिर वैसे चीज़ है भी है कि जैसे बारिश में जाओ तो अंदर का हमारा तो भीगता ही नहीं है, बारिश में भी पानी बारी बार जो है निकल जाता है, तो सुविधा भी है इसमें, ठंड नहीं लगती, कहीं पर जाओ तो बिछाने के लिए भी होता है, वही बिछाओ सो जाओ, कहीं जाना है तो भाई साहब ने जो पहना है वो है। भाई ये है सर, तो ये है साहब इसमें ज़्यादा। कितने में बन जाएगा? अब सर ये तो वैसे तो टाइम तो बहुत लेता है, ये भी होता है कभी ऊन के देखो एक एक उसको अलग अलग करना है तो कितना टाइम लगेगा, उस पर कबाड़ा है ये है अलग अलग करना पड़ता है उसको एक एक, तो उसको कटाई वो होता है फानने वाला होता है हमारे पास तो हाथ का वो होता है बिल्कुल, उसको बोलते हैं कौला, उससे का वो करना पड़ता है अलग अलग। उसके बाद कितने में बन जाता है? लगभग लगभग सर वो 2000 से नीचे तो पड़ता ही नहीं है, और ये है सर बात। ये भी सर वहाँ से आया था कुमाऊँ से। कुमाऊँ से भी ये था। लेकिन जो पुराने मकान हैं पारंपरिक पटाल पत्थर के बने हुए वो बहुत कम होते जा रहे हैं। ये एक मकान मुझे दिखा है पंवार जी का, तो अब देखिए इस मकान को ये कितना खूबसूरत है, और इस मकान के सामने सीमेंट का लाखों का मकान होगा जो 20 25 50 लाख तक का, वो भी फीका है। वजह यह है कि जो पुराने मकान होते थे वो सर्दियों में जो गर्मी का एहसास करते थे और गर्मियों में सर्दी का, हालांकि ये इलाका हमेशा ठंडा ही रहता है, गर्मियों में भी यहाँ पर अच्छी ठंड रहती है। अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये मकान। चौमासी गांव के इतिहास के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ये कहा जाता है कि ये गांव करीब करीब 200 वर्ष पुराना हो, 300। हाँ, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम दलवीर सिंह तिंदोरी। तिंदोरी? तिंदोरी है जी। अच्छा, तो आप लोग का गांव कैसे बसा होगा? बसा वही बसाया कि ये रावल के साथ जो है वहाँ रहे ना ऊखी मठ में। हाँ, वहाँ पहले हमारा जो है वहाँ नौरा कुनारा बोलते हैं वहाँ, हाँ ऊखी मठ की पहले साइड, तो वहाँ रहा, तो उसने पता नहीं क्या गलती कर दी होगी रावल के साथ, तो उसने जो है उसको पनिशमेंट पर भेजा कि भाई जाओ तू तू जो है तेरे को ऐसे जगह भेजते हैं कि सारा तुझे जो है वहाँ तू वो करेगा।
कष्ट मिलेगा तेरे को तब यही तो। वो यहाँ आया, उसने यहाँ जो है ये चोलाई चाल चोलाई वो बोई झंगोरा आलू लगाए छेमी ये राजमा, अब वो अच्छी हुई फर्स्ट क्लास हुई। अब उसने जो है बोला यार एक एक परिवार के लिए तो तब ठीक ही था। फिर उसने जो है थोड़ा सा अपने जो है कांस बांस की झोपड़ी बनाई वहाँ पहले, तो बताते हैं वो थोड़ा बाद में जो है जरा सब्जी लेके आलू लेके वहाँ गया राहुल के पास, तो उसने बोला यार बढ़िया है ये फसल है। तो उसने यहाँ जो है भैंस भी रख दी, यहाँ घास भी था पूरा जंगल ऐसे, यहाँ क्या होना था, यहाँ तो खेत ही नहीं थे कुछ नहीं थे, तब बनाया गया तब तो जो है यहाँ ये तो घास होगा उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, उसको मजा आ गई। उसने यहाँ भैंस पाली और आराम से घी वहाँ भी ले गया, जंगोरा ले गया, उस चोलाई पीस के ले गया, भूनते हैं ना उसको आता पीस के उसकी रोटी बनती है चोलाई। अब उसने बोला यार बहुत बढ़िया है तू वहीं बस, तो उसने कहा चलो मेरे नाम पर वहाँ जमीन दे दो, तो उस उनने उस समय जो है उसके नाम यहाँ जमीन कर दी। तो तब धीरे 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 तो बसता गया तब परिवार। यहाँ का मुख्य आय का साधन क्या है, भेड़ पालन है और खेती बाड़ी? भेड़ पालन खेत बाड़ी से तो कुछ नहीं आय के साधन, क्या क्या है राजमा से भी होता है थोड़ा बहुत, उस साल राजमा भी नहीं हुई। भेड़ पालन है यहाँ, फिर भेड़ पालन एक मात्र भेड़ पालन जो है ये देवर हो गए तो वो भी जो है किसी किसी परिवार के। कहाँ कहाँ तक जाते हैं यहाँ से भेड़ बकरियाँ लेके? जाते हैं यहाँ जंगल भी है उसके बाद ऊपर बुग्याल है, बुग्याल खां बुग्याल में, इधर मनणी की तरफ भी। हाँ मनणी की तरफ भी खां मनणी के बुग्यालों में जाते हैं हमारे यहाँ के भेड़, जाड़ों में जो है यहीं रहते हैं यहीं करते हैं, जरा वो बांज के पेड़ से जो है वो घास लाते हैं बस उसी पर निर्भर करते हैं। यहाँ जंगल तो काफी अच्छा है, यहाँ जंगल तो है, इन पर तो पेड़ भी बहुत भारी भारी है। यहाँ तो जो है पेड़ पर जाना है तो पेड़ पर खतरा भी तो है, यहाँ के लिए तो जो है सबसे बड़ा ये एक तो ये चट्टान में जो है घास के लिए जाना है भैंस। आपने खेती बाड़ी करी या नौकरी भी करी? नहीं नौकरी नहीं करी, खेती बाड़ी से। कितने परिवार कितना बड़ा है आपका? हाँ परिवार जो है तीन लड़के हैं दो बहू है और पांच नाती नतिन हैं, दो हम हैं। हाँ बेटियाँ भी वो उनकी शादी करी है दो। अच्छा तीन लड़के दो बेटियाँ पांच बच्चे थे। हाँ बस पांच लड़के, सबको पढ़ाया लिखाया खेती बाड़ी और पशु? नहीं लड़कियाँ तो जो है सात आठ तक रही पर लड़के जो है इंटर तक करवाए वो कोटमा में। मेरे पिताजी भी पहले स्वतंत्र सेनानी थे आजाद हिंद फौज वाले थे। अच्छा जो गांव में बता रहे थे वो आपके पिताजी थे? जी हाँ। तो वो कहाँ रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मतलब आजाद हिंद फौज के सिपाही कहाँ गए? वो लड़ी उन्होंने वहाँ गए वो सिंगापुर में। हाँ। जर्मन के साथ जर्मन में रहे तो यहाँ से गए वो यहाँ। क्या नाम था उनका? बाघ सिंह तिंदोरी। हाँ वो आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के ब्रिगेड में रहे वो, जब सुभाष चंद्र ने जो है सिंगापुर में आजाद हिंद फौज को जमाया ना तो अंग्रेजों ने जो है जापानियों ने जो है अंग्रेजों से इनको जो है वो किया। हाँ फोटो है आपके पास उनकी कोई पुरानी? हाँ पुरानी फोटो है। फोटो लाइए जरा फोटो। सही नहीं है ये कंधा ना। हम पहले भी आपको कई बार दिखा चुके हैं कि जो पहाड़ की महिलाएं हैं वो बहुत हार्ड काम करती हैं शुरुआत में, जैसे शादी होती है उससे पहले भी, तो बुढ़ापे में आते आते उनकी जो हड्डियों में दिक्कत हो जाती है कई बार। और पुष्पा देवी की भी यही दिक्कत है, पीछे कमर में दर्द हो रहा है और घुटनों में। घास कितनी दूर तक गए आप लेने के लिए? आप तो नहीं सब कुछ का जाता है। हाँ। पहले तो बहुत दूर जान से खेती बाड़ी भी ज्यादा चलता है। हाँ, खेती मत भी आप लोगों का छानी वक भी खेत हाँ, खेत। अच्छा हाँ। तो काम बहुत कारी वजह से अब बुढ़ापा मानी दिक्कत। अब बुढ़ापा में नहीं सके नहीं काम करता गुनवा पड़ा हुए। ये दिक्कतें जो हैं वो आम हो गई हैं पहाड़ की महिलाओं के लिए। हॉस्पिटल की सुविधाएं है नहीं, गुप्तकाशी भी जाते हैं तो जो ऑर्थोपेडिक होता है वो नहीं मिलता है, श्रीनगर जाना पड़ता है। आप सोचिए कि यहाँ से अगर श्रीनगर में भी नहीं मिला तो फिर सीधे ऋषिकेश या देहरादून है ना। श्रीनगर तब जाकर पता चलेगा, वही सीटी कराना पड़ेगा एमआरआई करा के तब पता लगता है कि ओरिजिनल दिक्कत है क्या। और कई बार महिलाएं दर्द सहती रहती हैं, चलते रहते हैं कि चलो कोई बात नहीं कुछ दिन बाद चले जाएंगे। हाँ बहुत। और भी महिलाएं हैं आपकी उम्र में जिन्हें दिक्कत हो? बहुत बहुत बैठा बन के गुण पदार्थ बहुत लोग बैठा बहुत नहीं बैठा बन। कत साल होगी आपसे ये दिक्कत हुई?
मैं तो वही वाला 8-9 साल हुए। 8-9 साल हुएगी। 9-10 साल हुए वाला। पहल ठीक चा सब। पहल ठीक चा यार। याद भी फिर पानी निकाल दो अच्छे उधर इंच ना कर। देखिए चौमासी इस कालीमठ घाटी का केदारनाथ की ओर सबसे अंतिम गांव है और इसका जो मोहल्ला जिसको तोक हम गढ़वाली में कहते हैं निफ्थर, ये अंतिम बसाहट मानवीय बसाहट है। उसके ऊपर खाम बुग्याल है और खाम के बाद केदारनाथ जाने के लिए 3 या 4 रास्ते निकलते हैं, जिनमें से एक हथनी जो बहुत ही हाईएस्ट पॉइंट है उससे होकर के जाता है। तो जो इस चौमासी की जो सबसे खूबसूरत जो विशेषता है, एक तो ये कालीमठ घाटी का केदारनाथ की ओर का अंतिम गांव है और ये गांव आपदा के समय सबसे बड़ा प्रसय स्तर, क्योंकि आपदा में जो भी लोग केदारनाथ से खाम होते हुए चौमासी गांव आए उनमें से एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई, एक भी मृत्यु नहीं हुई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिद्ध करता है कि ये परंपरागत सुरक्षित और सुगम रास्ता केदारनाथ जाने का था और यहाँ का जो ट्रैक, जो भी ट्रैकर इस रास्ते केदारनाथ जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत बुग्याल, नदी, छोटे झरने, इन सब से होकर के वो केदारनाथ पहुँचता है। इसमें डाइवर्सिटी हैं, न केवल बुग्याल, झरने, पानी, नदियाँ हैं, बल्कि इसमें बर्फ़ है। आप कई किस्म के वाइल्ड लाइफ, आप जब खतनी के बाद आप उतरते हैं तो आपको बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ, जिसमें मोनाल आपको बहुत अच्छा मिलता है, आपको भरड़ मिलता है आपको, और आपको कस्तूरा मृग मिल सकता है। तो ऐसी वाइल्ड लाइफ और ऐसे प्राकृतिक आनंद, फ्लोरा और फूना जिसको हम कहेंगे, इससे मिला जुला रास्ता चौमासी से होकर के केदारनाथ तक के जाता है। कालीमठ घाटी का अंतिम और एक छोटा गांव चौमासी, इसकी कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। चौमासी से केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा रोमांचित करने वाली है। अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल एक नए रास्ते से केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं तो जो चौमासी गांव है वहां से आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। होम स्टे भी यहाँ पर खुल चुके हैं, रहने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस गांव के बारे में और जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कुछ नंबर हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए, सफ़र अभी आगे जारी रहेगा। जय नंदा, जय हिमाल, जय केदारनाथ धाम।